राजभग साहब से और तमाम यहाँ पे बैठे हुए अफराद से और अपनी बहन आयशा के, आखिर क्यों, आखिर ये खामोशी क्यों है मुझसे मेरे मुंह पे? मुझे वजह तो बताए, आखिर रुकावट कहाँ है? जब आप भी राजी, वो भी राजी, अमेरिका में बात करती हूँ, वो कहते हैं हम राजी, ये कहते हैं ये राजी। अभी CIA का वफद आया, मैक मास्टर आया, उसने कहा आफिया को ले लो, शी इज नो लॉन्गर अ हाई वैल्यू एसेट फॉर अस, आप आफिया को ले लो, मगर वो नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रहे आप? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कहानी नरेटर से आपका होस्ट, आप देख रहे हैं कहानी नरेटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जो 20 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद आज भी अमेरिका की जेल में कैद है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की खबर आजकल फिर पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, और जितनी मुँह है और इतनी बातें हुई है। एक नामोनिहाद रिसर्चर सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आफिया सिद्दीकी के बारे में दलदल से काम ले रहा है। उसका पोस्टमार्टम करने से पहले मैं यहाँ पे एक काबिल जिक्र बात करता चलूँ। जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज्यारत हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या कहा, इस पर आगे चलकर मैं बात करूंगा। इससे पहले हम इस महान रिसर्चर मुजम्मिल शाह का पोस्टमार्टम करते हैं, तो चलिए शुरू कर दें। सैयद मुजम्मिल शाह ने अपनी वीडियो में आफिया सिद्दीकी केस को डिस्कस किया है। शुरुआत में वो कहते हैं कि हम हकायक पे बात करेंगे और दोनों का मौका पेश करेंगे, लेकिन दरमियान में वो डंडी मारता है और यकतरफा मौका पर जोर देकर हकायक को मसख करता है। मुजम्मिल ने सारा बयानिया एक जर्नलिस्ट के आर्टिकल पर बनाया है जो 2009 में छपी थी, और ये मुकम्मल वही मौकफ है जो अमरीका दुनिया के सामने बयान करता है। दरमियान में सैयद मुजम्मिल दाऊद गजनवी की किताब का जिक्र करते हैं, लेकिन इनके मौकफ को बयान नहीं करते। हालांकि दाऊद गजनवी का मौकफ बहुत जानदार है। माहिर कानूनदान दाऊद गजनवी की किताब रुनुमाई से कबल ही अमेजोन पर बेस्ट सेलर में शामिल हो चुकी थी। इसमें मुसन्निफ ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, बल्कि सारा लीगल और सरकारी प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स कोट किया है, लेकिन मुजम्मिल ने इसके बजाय दूसरा कमजोर मौकफ अपनाया। मुजम्मिल ने दो तीन नुकात उठाया कि आफिया सिद्दीकी ने दूसरी शादी अलकायदा के रुकन से की थी और 2003 से 2008 तक अंडरग्राउंड थी। फिर अफगानिस्तान जाने के बाद गजनी में और बाद में अदालत में आफिया ने अपना केस खुद कमजोर किया था और वो अदालती प्रोसेस में ताउन नहीं कर रही थी। तो आइए बारी बारी एक एक पर बात करते हैं। इन इल्जामात और कयासात के लिए कोई शवाहिद मौजूद नहीं। सबसे पहले आफिया सिद्दीकी ने दूसरी शादी नहीं की। मुजम्मिल ने जिक्र किया कि तलाक के 6 माह बाद शादी की, जबकि इनकी तलाक 21 अक्टूबर 2002 में हुई थी और 5 माह और 28 दिन बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। मुजम्मिल ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साबिक शोर की बात को बुनियाद बना दी, लेकिन याद रहे आफिया सिद्दीकी केस में शर्मनाक किरदार इनके साबिक शोर का भी है, जबकि दूसरी जानिब आफिया की बहन और माँ दूसरी शादी की सख्ती से तर्दीद करती है। लिहाजा इस मामले में साबिका शोर जो कि आफिया सिद्दीकी का मुखालिफ था, इसकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। मुजम्मिल कहते हैं कि आफिया सिद्दीकी को 2003 में नहीं बल्कि 2008 में गजनी से गिरफ्तार किया गया और 5 सालों के दौरान वो पाकिस्तान में छुपी रही। इतने बड़े दावे के लिए वो फिर से साबिका शोर और आफिया के अंकल के बयान का जिक्र करते हैं। ये सरासर झूठ है। असल हकीकत यही है कि आफिया सिद्दीकी को 2003 में गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त की सारी मीडिया यही कहती थी, खुद आफिया सिद्दीकी के घर वाले और बहन भी यही कहती है, और इसी दौरान आफिया सिद्दीकी के घर वालों को इंटेलिजेंस ने मुकम्मल तौर पर मैसूर किया था। 2003 में खुद आफिया के अंकल ने इमरान खान को कहा था और इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। दोनों माँ बेटियों ने इस वक्त के वज़ीर दाखला फैसल साले हयात से आफिया सिद्दीकी और इनके बच्चों की बाजियाबी की दरख्वास्त की थी। साथ ही आफिया सिद्दीकी के वालदा और बहन ने बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग को भी बताया कि उन्हें चंद मोटरसाइकिल सवारों ने धमकी दी है कि अगर वो बच्चों और आफिया की सलामती चाहती है तो इनके पुरसरार गुमशुदगी का किसी से भी जिक्र ना करे। वक्त गुजरता गया, 2008 तक किसी को नहीं पता था कि आफिया सिद्दीकी कहाँ है। इसी दौरान एक पाकिस्तानी निजात बरतानी शहरी मुअज़्ज़म बेग, जो बगराम और ग्वांतानामोबे में रह चुका था, इसकी एक किताब मंजर आम पे आई जिसमें एक खातून कैदी का जिक्र था। उधर एक बरतानवी नो मुस्लिम सहाफी युवान रेडली ने भी इस कैदी का जिक्र किया और इसे ग्रे लेडी ऑफ बगराम का नाम दिया। इवान रेडली ग्वांतानामोबे में कैदियों से इंटरव्यू कर रही थी तो वहां पर कैदियों ने बताया कि बगराम में एक खातून कैद है, जिस पर इवान रेडली अफगानिस्तान गई। जेल में मौजूद दूसरी कैदियों ने तस्दीक की कि कैदी नंबर 650 आफिया ही है। इसी तरह 5 साल से ज्यादा अरसा की गुमनामी के बाद बरतानवी सहाफी रेडली ने 7 जुलाई 2008 को इस्लामाबाद में इंकशाफ किया कि आफिया सिद्दीकी बगराम जेल में कैद है। खुद अमरीकी कोर्ट में 2003
से 2008 तक इसकी पुरस्कार गुमशुदगी की बहस शुरू हुई तो कोर्ट ने इस बहस को अप्रिशिएट नहीं किया बल्कि यह कहकर रोक दिया कि सारी मालूमात अमरीकी एजेंसियों के पास है और अदालत को वहां से रुजू करना होगा। यहां पे सीक्रेट प्रिजन का जिक्र करना जरूरी है जो अमरीकी एजेंसियों की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कायम किए गए इनमें बगैर मुकदमे के लोगों को रखा जा सकता है। बाद के हालात से अंदाजा हुआ कि आफिया सिद्दीकी किसी सीक्रेट प्रिजन में कैद थी। जब आफिया सिद्दीकी ने अदालत में सीक्रेट प्रिजन में अपनी कैद का जिक्र किया तो जज ने इनके अल्फाज हजफ करा दिए। इवान रेड्डी मुसलसल इस केस का ताकुब करती रही और डेटा और मालूमात इकट्ठी करती रही, आवाज उठाती रही, खतूत लिखती रही। इनकी कोशिशों के नतीजे में एक सियासी दबाव बनना शुरू हुआ। अब जरा ये वाकयाती तरतीब मुलाहिजा करें। 5 जुलाई को उन्होंने इमरान खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तानी हकाम पर जोर दिया कि वह इस मसले पर आवाज बुलंद करे। अब तक पाकिस्तानी और अमरीकी हकाम मुकम्मल तौर पर लाइल्मी जाहिर करते रहे थे। 11 जुलाई 2008 को एक अमरीकी ऑफिशियल ने बगराम से मैसेज दिया कि यहाँ ऐसे कोई खातून मौजूद नहीं। 17 जुलाई को गजनी से खबर आई कि आफिया सिद्दीकी नामी खातून गवर्नर के महल के बाहर से गिरफ्तार हुई है जिसके पास से खतरनाक केमिकल्स बरामद हुए हैं। अफगान पुलिस के मुतल्ला करने पर अमरीकी हकाम ने इंट्रोगेशन शुरू की। अगले दिन 18 जुलाई को खबर आई कि आफिया सिद्दीकी ने तफ्तीश के दौरान अमरीकी फौजियों पर फायरिंग की है और जवाबी फायरिंग में जख्मी हो गई है। अमरीकी हकाम आफिया सिद्दीकी को अमरीकी अस्पताल ले गए और वहां से उसकी गिरफ्तारी जाहिर की। फिर अचानक 23 जुलाई को पेंटागन से इवान रेड्डी को जवाब आया कि 2006 में एक कैदी नंबर 650 बगराम जेल में मौजूद जरूर थी लेकिन वो आफिया सिद्दीकी नहीं थी। यूं 5 जुलाई से 23 जुलाई तक के पे दर पे वाकयात के हवाले से दाऊद गजनवी ये नतीजा निकालते हैं कि मसला ये था कि आफिया ऊपर बयान किए गए किसी सीक्रेट प्रिजन में थी जो आफिया की वजह से जहर बेस आ रहे थे और एक्सपोज होने लगे थे। चुनांचा घबराहट में उन्हें कैद करने वालों को इसकी मौजूदगी जाहिर करनी पड़ी और जल्दी में इस सारे चक्कर में खामियां रह गई और कई कड़ियां मिलने से रह गई और कहानी ठीक नहीं बन सकी। अब आखिरी एतराज पर आते हैं। मुजम्मिल लिखते हैं कि अदालती प्रोसेस को खुद आफिया ने सबोताज किया और आफिया वायलेंट थी जबकि कोर्ट में आफिया सिद्दीकी को राइट ऑफ काउंसलिंग यानी मशवरा का हक नहीं दिया गया, ना मर्जी के वकील मुहैया किए गए। चुनांचा इसने अपना केस खुद लड़ा। अपने बयान में इसने वाशगाफ अंदाज में कहा, मेरे नाम पर दुनिया में कोई दहशतगर्दी मुझे कबूल नहीं। मैं किसी को इजाजत नहीं देती कि मेरे नाम पर पत्थर भी उठाए और जो भी मुसलमान किसी गैर मुस्लिम मुल्क में रहते हैं उनको मेरी नसीहत है कि वहां पर आपने कोई तशद्दुद नहीं करना। 2008 में केस का फैसला अनाउंस होने से जरा पहले ऑडियंस में एक शख्स खड़ा हुआ। इसने ज्यूरी के दो मेंबरान पर एतराज उठाया, उन्हें शदीद तरीन धमकियां दी। जज ने दोनों मुअज्जज मेंबरान को रिप्लेस कर दिया और इस शख्स को तफ्तीश के लिए अटॉर्नी जनरल के कमरे में भेज दिया। आफिया ने अपनी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में इंकशाफ किया कि इन दो मेंबरान ने इसके हक में फैसला दिया था। ये बात वाजिया रहे कि अमरीकी कानून के मुताबिक इस मुकदमे के लिए मुत्तफिका फैसला जरूरी था जो दोनों मुअज्जज मेंबरान की वजह से मुमकिन ना था। अमरीकी प्रोसिक्यूटर ने अदालत में वाजह तौर पर कहा कि दहशतगर्दी के हवाले से हमारा कुछ लेना देना नहीं, ये हमारा केस ही नहीं है। और अब मैं उस ख्वाब की तरफ आता हूँ जो आफिया सिद्दीकी ने अमरीकी जेल में देखा जिसमें उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत नसीब हुई। दरअसल 2011 में जब आफिया सिद्दीकी की वालदा ने आफिया सिद्दीकी से फोन पर बात की तो ये जेल से पहली और आखिरी कॉल थी। आफिया ने अपनी वालदा को जिस ख्वाब का जिक्र किया वो कुछ इस तरह था। आफिया सिद्दीकी ने अपनी वालदा से कहा, अम्मी हुजूर मेरे ख्वाब में आए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरा ये इम्तिहान कब खत्म होगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत शफकत से जवाब दिया, मेरी प्यारी बेटी ये आपका इम्तिहान नहीं, ये मेरे पूरी उम्मत का इम्तिहान है। अल्लाहु अकबर। एक तरफ आफिया सिद्दीकी की मुसीबतें और अजियतें और दूसरी तरफ मुजम्मिल जैसे लोग दजल से काम ले रहे और मुकम्मल तौर पर एक तरफा मौका बयान किया है जो अमरीकी हुकूमत और FBI का है। इसका हकीकत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। अल्लाह ताला हम सबका हाफिज और नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।